नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मनाई गई जयंती, पुष्प अर्पित कर देश के लिए दिए गए योगदान को किया याद। नवगछिया पुलिस ने कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, हत्या लूट सहित कई मामलों में लंबे समय से था फरार। भागलपुर दुर्गा पूजा महासमिति के सदस्यों ने विधायक के साथ की बैठक, का प्रशासन प्रतिमा स्थापित नहीं करने का बना रहा है दबाव। नवगछिया में एक ही परिवार के दो बच्चों की डूबने से हुई मौत, शव की तलाश जारी। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिले भर में चलाया जा रहा है सघन तलाशी अभियान। अब समाचार विस्तार से। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर रविवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक समिति की ओर से भागलपुर सदर अस्पताल परिसर स्थित जेपी प्रतिमा के समक्ष जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जेपी सेनानी, संपूर्ण क्रांति आंदोलनकारी मंच और गांधी शांति प्रतिष्ठान के सदस्यों ने लोकनायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सर्वधर्म प्रार्थना सभा, गोष्ठी एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया। जेपी को नमन करते हुए वक्ताओं ने बारी बारी से उनके द्वारा देश के लिए दिए गए योगदानों को याद किया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को अन्याय एवं अराजकता का घोर विरोधी बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रकाश चंद्र गुप्ता ने कहा कि जेपी संपूर्ण क्रांति के जनक थे। 1974 में केंद्र की इंदिरा सरकार के खिलाफ शुरू हुए जेपी आंदोलन ने देश में युवाओं को एक नई दिशा देने के साथ अन्याय और तानाशाही के खिलाफ लड़ने की ताकत दी। साथ ही समाज सेविका उषा घोष ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि जेपी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं को उनकी जीवन से सीख लेनी चाहिए। बता दें कि जेपी सत्ता मोह से दूर थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी भी उनका लोहा मानती थी और जेपी आंदोलन से इंदिरा सरकार की नींव हिल गई थी। कार्यक्रम में मौजूद संजय कुमार, डॉक्टर जयंत जलद, जवाहर मंडल, वासुदेव भाई, तकी जावेद, डॉक्टर पंकज टंडन समेत काफी संख्या में बुद्धिजीवी और समाज सेवियों ने लोकनायक को नमन कर उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। ज्ञातव्य हो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1942 क्रांति के अग्रदूत थे और उनके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और फिर 1975 में जब आपातकाल लागू किया गया उसके विरोध में भी उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और जनता सरकार की स्थापना की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। नवगछिया पुलिस ने बिरवन्ना निवासी कुख्यात अपराधी शिवनंदन यादव को लोडेड देसी कट्टा एवं 5 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर SDPO दिलीप कुमार ने नवगछिया भवानीपुर थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी। SDPO ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर भवानीपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार के नेतृत्व में टीम ने नारायणपुर बिरवन्ना तीनमुही चौक पर नाकेबंदी कर अपराधी को दबोच लिया। साथ ही पुलिस ने शिवनंदन के घर से तलाशी के दौरान 315 बोर की 315 राइफल व 315 बोर की 60 कारतूस के साथ 12 बोर की 5 गोली बरामद की है। कुख्यात शिवनंदन के विरुद्ध रंगदारी, फसल लूट, गोलीबारी, आर्म्स एक्ट जैसे मामले भवानीपुर ओपी में आधा दर्जन से अधिक दर्ज हैं। टीम में थाना प्रभारी नीरज कुमार, हवलदार सैयद फिरोज, हवलदार मधेश प्रसाद, पुलिस जवान जयमेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पड़ने वाले दुर्गा पूजा को लेकर इस बार कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई है। वहीं रविवार की शाम भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर दुर्गा पूजा महासमिति के सदस्यों ने बैठक की। बैठक के दौरान समिति से जुड़े लोगों ने माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश पर आपत्ति जाहिर की। दुर्गा पूजा महासमिति के महासचिव जयनंदन आचार्य ने कहा कि शहर के कई दुर्गा मंदिरों में प्रतिमा बन चुकी है और अब जिला प्रशासन की ओर से मूर्ति स्थापित करने पर कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है। वहीं आनंद मिश्रा ने कहा कि कोरोना काल में जब चुनाव हो सकता है और बाजार में भीड़ लग सकती है तो फिर प्रतिमा स्थापित करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती।
बैठक में दुर्गा पूजा महासमिति के सदस्यों ने कहा कि प्रशासन की ओर से नवमी के दिन ही विसर्जन का आदेश दिया गया है, जो हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार गलत है। वहीं नगर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों की मांग से मुख्यमंत्री एवं गृह विभाग को पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। विधायक अजीत शर्मा ने पूजा समिति के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होगी और इसको लेकर वह जिलाधिकारी प्रणब कुमार से शीघ्र ही वार्ता करेंगे। बैठक में वार्ड नंबर 21 के पार्षद संजय सिन्हा, विनय कुमार समेत कई लोग मौजूद। पूजा समिति के सभी पदाधिकारीगण और सदस्यगण यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने एक ही डिमांड किया है, गृह सचिव का जो मैंने पत्र लिखा था पहले डीएम को, गृह सचिव विभाग का जो आदेश आया उसमें साफ लिखा है कि छोटी मूर्तियों का पूजा मंदिर या घर पे कर सकते हैं और उसका विसर्जन जो जिलाधिकारी या प्रशासन के पदाधिकारी जो जगह चिन्हित करेंगे वहाँ पर उनको विसर्जन करना है। कहीं नहीं लिखा रहा। अभी हो क्या रहा है यहाँ पर, जो सब लोग बता रहे हैं कि मूर्ति जहाँ छोटी बन भी रही है वहाँ पर जाके लोग धमकी दे रहे हैं कि साहब आप कैसे बना रहे हैं, एफआईआर कर दिया जाएगा। क्या यह लोकतंत्र है? क्या आप सरकार का आदेश मान रहे हैं? पुलिस जिला नवगछिया में कदवा ओपी थाना क्षेत्र के कोसी नदी में शनिवार को डूबने से एक ही परिवार के दो बालक की मौत हो गई। मृतकों की पहचान ठाकुर जी कचहरी टोला कदवा निवासी शंभू शर्मा के 6 वर्षीय पुत्र अमरीश व सुभाष शर्मा के 12 वर्षीय पुत्र सचिन के रूप में हुई है। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि दोनों बालक नदी की धार से गीली मिट्टी लेने गए थे। इसी दौरान तेज धार की चपेट में आकर दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए, जहां दोनों की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कदवाओपी थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों व मछुआरों की मदद से शव की खोजबीन की, लेकिन शव बरामद नहीं हो सका। इधर दोनों बच्चे के मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष ने घटना की जानकारी नवगछिया सीओ विश्वास आनंद को देकर शव की खोजबीन के लिए एसडीआरएफ की टीम भेजने की मांग की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर पुलिस की ओर से विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणब कुमार एवं एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान चौक चौराहों से गुजरने वाले तमाम वाहनों की गहन चेकिंग की जा रही है, जिससे चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले शराब और ब्लैक मनी के साथ साथ तमाम प्रतिबंधित वस्तुओं पर नजर रखी जा सके। रविवार को भागलपुर के रानी लक्ष्मीबाई चौक के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां सड़क से गुजरने वाले सभी दोपहिया समेत अन्य वाहनों की जांच की गई। इस दौरान कोविड-19 को लेकर बिना मास्क लगाए लोगों को मास्क लगाने की सख्त हिदायत पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई। विधानसभा चुनाव और त्योहारों के माहौल में कोई खलल न पड़े, इसको देखते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के टिकट पर रोहित पांडे चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। काफी बैठकों, मान मनोबल और खींचतान के बाद आखिरकार पार्टी ने जिलाध्यक्ष रोहित पांडे को भागलपुर से प्रत्याशी घोषित करते हुए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। एक और जहां रविवार को भागलपुर सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर बना संशय समाप्त हो गया, वहीं केंद्रीय मंत्री के पुत्र और भागलपुर से पूर्व प्रत्याशी रहे अरिजीत शाश्वत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन की चर्चा भी आई, लेकिन पार्टी ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए रणभेरी बज गई है। कोशी स्नातक क्षेत्र का चुनाव 22 अक्टूबर को होगा और इसको लेकर प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। वहीं कोशी स्नातक क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर एनके यादव सबका साथ सबका विकास एजेंडा पर कार्य करने की बात कह रहे हैं। इधर एमएलसी डॉक्टर एनके यादव की पत्नी शह भागलपुर नगर निगम की पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव भी बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीति तैयारी करती नजर आ रही है। पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव ने कहा कि इस बार भी जनता के आशीर्वाद से उनके पति एमएलसी चुनाव में विजयी होंगे। डॉक्टर वीना ने वोटरों से एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर एनके यादव के कार्य को देखते हुए वोट डालने की अपील की है। जनता से मैं अपील यही करती हूँ कि सबका साथ सबका विकास, इसको चरितार्थ करते हुए कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए गठबंधन से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर एनके यादव जी जो अभी प्रत्याशी के रूप में हैं और अतीत में वो एमएलसी रह चुके हैं और एक चिकित्सक भी हैं। गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर सो ही मेड द डॉक्टर्स। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी
का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। मतदाता की कोई भी बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के राजद उम्मीदवार डॉक्टर नितेश कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि इस बार के कोसी स्नातक चुनाव में उनकी जीत पक्की है और इसके लिए वो लगातार शिक्षकों और मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने निवर्तमान एमएलसी डॉक्टर एनके यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षक मतदाताओं ने जिसे अपने विकास के लिए चुना वो खुद के विकास में लगे रहे। साथ ही कहा कि स्नातक चुनाव में उनकी जीत युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता खोलेगी। इसके अलावा जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव और नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी अशरफ सिद्दीकी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष और नाथनगर प्रत्याशी ने नितेश यादव की जीत का दावा किया। अभी कोसी स्नातक एमएलसी चुनाव का 22 तारीख को मतदान होना है, जिसमें राजद द्वारा अधिकृत प्रत्याशी हमें और पूरे 14 जिला का यह चुनावी क्षेत्र है। आज भागलपुर जिला में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रेस वार्ता। दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर कहलगांव के ट्राइसेम भवन में अनुमंडल पदाधिकारी सुजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य रूप से दुर्गा पूजा के दौरान वैश्विक संक्रमण कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सरकार के गाइडलाइंस का 100% अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में पूजा समिति के सदस्यों के समक्ष सरकार के गाइडलाइंस को पढ़कर अवगत कराते हुए इसे सख्ती से पालन करते हुए सावधानी पूर्वक पूजा और विसर्जन करने का आदेश दिया गया। सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार पूजा पंडाल, माइक साउंड सिस्टम, जुलूस, सार्वजनिक रूप से प्रसाद वितरण व विसर्जन में भीड़ पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
इसके अतिरिक्त दुर्गा पूजा को लेकर स्थानीय लोगों के समक्ष कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में कहलगांव SDPO डॉक्टर रेशु कृष्णा, अपर अनुमंडल पदाधिकारी शंभु शरण सिंह, नील कुसुम सिन्हा के साथ साथ अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष व अपना कहलगांव ग्रुप के नितिन कुमार, सुजीत मिश्रा, रिजवान खान एवं पूजा समिति के कई सदस्य मौजूद थे। चुनाव को लेकर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस ने नवगछिया जवाहर विद्यालय के सामने से पकड़ा निवासी उमेश मंडल के पुत्र सुमन कुमार को एक देसी कट्टा और दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। नवगछिया SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि चुनाव को लेकर देर रात भटकने वालों की तलाशी करने का निर्देश वरीय पदाधिकारियों से मिला है। नवगछिया थाना में प्रतिनियुक्त दरोगा चंद्रिका राम ने रात्रि गश्ती के दौरान सुमन को संदिग्ध अवस्था में चहलकदमी करते देखा। पुलिस को देखते ही सुमन भागने लगा, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने सुमन को खदेड़कर दबोच लिया। युवक की तलाशी के दौरान उसके पास से दो जिंदा कारतूस और एक देसी पिस्टल बरामद किया गया है। सुमन किस इरादे से चहलकर्मी कर रहा था और उसे हथियार कहां से मिला, इसकी जांच की जा रही है। नवगछिया SDPO दिलीप कुमार ने अपराधियों को आपराधिक गतिविधियां छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने का सख्त निर्देश दिया, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। ये रात्रि गश्ती कर रहे थे, इसी बीच में एक संदिग्ध व्यक्ति उनको दिखाई पड़े, जिनको रोकने का प्रयास किए तो ये भागने लगे। भागने पर पुलिस के द्वारा खदेड़ के इनको पकड़ा गया, चेक किया गया तो इनके पास से एक देसी कट्टा मिला है लोडेड, और एक कारतूस और इनके पास में था, एक मोबाइल है। इस संबंध में हम लोगों ने यहाँ टाउन थाना में एक केस किया है। भागलपुर प्रधान डाकघर परिसर में रविवार को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। पूर्वी प्रक्षेत्र बिहार के पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने डाक विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता के प्रतिभागियों और कार्यालय में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया। PMG अनिल कुमार ने विभाग के अलग अलग कार्यों से जुड़े कर्मियों एवं छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निरंतर बेहतर प्रयास और कड़ी मेहनत के बल पर सफलता और सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि डाक विभाग समय के साथ बदल रहा है और लोगों की सेवा के साथ बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए भी प्रयासरत है। इस दौरान लेटर राइटिंग, क्लीननेस, आधार अपडेशन, सुकन्या समृद्धि योजना, IPPB, PLI प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विभिन्न स्कूलों के सफल छात्र, राष्ट्रीय डाक सप्ताह कार्यक्रम में पूर्वी प्रक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई डाक प्रमंडल के डाक अधीक्षक, डाकपाल, IPPB के प्रबंधक समेत कई अधिकारी एवं डाककर्मी मौजूद थे। मौके पर डाक अधीक्षक RP प्रसाद, बेगूसराय के डाक अधीक्षक AK सिंह, सहायक डाक अधीक्षक NK चौधरी, प्रधान डाकघर के डाकपाल सुनील कुमार सुमन समेत कई डाक प्रमंडल के अधीक्षक और डाक कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में पोस्टमास्टर जनरल से पुरस्कार प्राप्त कर छात्र छात्राओं के साथ डाक कर्मी भी काफी उत्साहित दिखे। 15 अक्टूबर तक हम लोग डाक सप्ताह मनाते हैं, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, इस पर सारे लोगों को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो काफी अच्छा काम किए हैं, जो बेस्ट परफॉर्मर्स हमारे हैं, जो हमारे हीरोज हैं, जो कोरोना काल में सारे झंझावातों को से जूझते हुए अप्रतिम काम किए, अनपैरेलल काम किए, उनको जो बहुत अच्छा अकाउंट खोले, जो बहुत अच्छा APS घर घर तक पैसा पहुंचाए, जो लोग PLI डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा किया, जो सुकन्या समृद्धि योजना का काम किया, जो सबसे अच्छा काम जो लोग किए हैं उनको हम लोग आज पुरस्कृत किए हैं। हड्डियों की बेहतर इलाज के लिए अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रविवार को भागलपुर कचहरी चौक के समीप हड्डी रोग से संबंधित इलाज के लिए जौहर हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। शहर के भीटू मॉल के नजदीक बने हॉस्पिटल का उद्घाटन प्रोफेसर कमालुद्दीन एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुलाम रब्बानी जौहर समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। वहीं नया अस्पताल खुलने पर प्रबंधक की ओर से लोगों को केक खिलाकर अस्पताल में उपलब्ध सेवाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्य अतिथि ने बताया कि अस्पताल में हड्डी के समस्त इलाज की अत्याधुनिक सुविधा है। ऑर्थो अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक गुलाम रब्बानी जौहर ने बताया कि आज घुटने कंधे की समस्या आम हो चुकी है, छोटे बच्चों के पांव टेढ़े होने की समस्या भी पांव पसार रही है। ऐसे रोगों के महंगे इलाज की वजह से आम व्यक्ति काफी समस्याग्रस्त रहता है। साथ ही डॉक्टर ने कहा कि जो भी अच्छे अस्पताल हैं वे बहुत ही महंगे हैं या शहर से काफी दूर हैं। महंगे इलाज की वजह से मरीजों को दर दर भटकना न पड़े, इसी उद्देश्य से अस्पताल की स्थापना की गई है। साथ ही बताया कि हॉस्पिटल में कंप्यूटर द्वारा हड्डी बैठाने एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है और हड्डी के कैंसर का भी उपचार किया जाता है। ये बेसिकली ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, तो इसमें जितने भी हड्डी रोग से रिलेटेड चीज़ है या एक्सीडेंट से रिलेटेड चीज़ है, या जैसे नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी, जनरल ट्रॉमा जो केसेज होते हैं, जो एक्सीडेंट में पैर हाथ में चोट लगती है या कोई बच्चे का पैर टेढ़ा होता है तो उसको हम लोग सीधा कर सकते हैं, ऑपरेशन से भी करते हैं, प्लास्टर से भी करते हैं। किसी का पैर छोटा हो गया एक्सीडेंट के बाद, अक्सर देखते होंगे,
उसकी लंबाई बढ़ा जा सकती है। वो रिंग मेथड होता है, लिजारो मेथड, उससे हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। सेंडिस कंपाउंड के जयप्रकाश उद्यान में योग हेल्थ क्लब द्वारा रविवार को एक दिवसीय स्वास्थ्य जांच परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान क्लब के सदस्यों एवं आम लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई, साथ ही कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। संस्था की सचिव अनीता कौशिक ने बताया कि कैंप में 80 लोगों ने हिस्सा लिया। बता दें कि योग हेल्थ क्लब द्वारा हर महीने आम जनता के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मौके पर उपाध्यक्ष विद्या झा, पुष्पा सिंह, मीना पांडे, प्रदीप मांडविया, सिद्दीकी समेत संस्था के अन्य सदस्य मौजूद थे। क्योंकि योग हेल्थ क्लब है तो हेल्थ से रिलेटेड है, तो हम लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। जो मेंबर जुड़ते हैं तो हम लोग हर महीना इसका जांच करवाते हैं, और अभी थोड़ा लंबा गैप हो गया कोरोना काल में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारा ये बंद था। बांका फुल्ली डुमर बाजार में खेसर रामपुर मुख्य सड़क पर भागलपुर से आ रही एक यात्री बस ने सड़क किनारे खड़े 12 वर्षीय बच्चे को ठोकर मार दी, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना के बाद घायल के परिजनों ने फुल्ली डुमर बाजार के मुख्य सड़क को जाम कर मुआवजा की मांग करने लगे। इधर स्थानीय लोग हादसे में घायल बालक को इलाज के लिए प्रखंड अस्पताल ले गए, जहां बालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। घायल की पहचान मिथिलेश मांझी के पुत्र सागर के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही प्रमुख गौतम प्रकाश, बीडीओ विकास कुमार, सीओ अखिलेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष सफदर अली दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और गाड़ी के ड्राइवर पर कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया, और करीब 2 घंटे तक मशक्कत कर जाम हटवाया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि जख्मी के दादा उचित मांझी ने बस संख्या BR10P7031 के ड्राइवर एवं एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मनाई गई जयंती, पुष्प अर्पित कर देश के लिए दिए गए योगदान को किया याद। नवगछिया पुलिस ने कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, हत्या लूट सहित कई मामलों में लंबे समय से था फरार। भागलपुर दुर्गा पूजा महासमिति के सदस्यों ने विधायक के साथ की बैठक, का प्रशासन प्रतिमा स्थापित नहीं करने का बना रहा है दबाव। नवगछिया में एक ही परिवार के 2 बच्चों की डूबने से हुई मौत, शव की तलाश जारी। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिले भर में चलाया जा रहा है सघन तलाशी अभियान। आज की खबरों में बस इतना ही, नमस्कार।